हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके बहुत सारे क्वेरीज थी कि मैम आप ये बताओ कि जो सिविल एंड पीएससी पोस्ट है तो इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, मतलब कि किस पोस्ट में जो है हमें, जैसे कि अभी देख रहे हो 49,568 भर्ती में बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि क्या हमें सिविल पोस्ट नहीं मिलेगी, क्या हमें पीएससी ही मिलेगी, तो इसमें सबसे बेटर है कौन और क्यों जो है सिविल ही चाहिए। क्या सिविल में ज़्यादा बेनिफिट्स है, क्या उसमें ज़्यादा आराम मिलता है, क्या उसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो हम आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और जो आप ये सोच रहे हो ना कि पीएससी पोस्ट आपका ख़राब है वगैरह वगैरह, तो ये आपके जो भी डाउट्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि फर्स्ट प्रेफरेंस में ही उन्होंने पीएससी जो है अपना फिलअप कर दिया है, क्यों किया है अब आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सिंपली हम शॉर्टली ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम आपका ख़राब ना हो और बस आपको इम्पोर्टेंट बातें पता चल जाए। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले आपके मन में यही चल रहा होगा कि सिविल एंड पीएससी जो पोस्ट होती है इसमें जो डिप्टी आपकी होती है, ठीक है, तो वो कितने घंटे की लगेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम सिविल की बात करें, देखो अगर आपको सिविल पोस्ट मिलती है तो आपकी जो टाइम होगी इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ये तो आप मान के चलो। मिनिमम अभी हम माने तो आपको 12 घंटे तो वर्क करने ही है, ठीक है। और अभी आप देखो सिविल में आपको 24 घंटे, मतलब ये मान के चलो कि आपको 24 घंटे ऑन रहना पड़ेगा इस पोस्ट के लिए, क्योंकि देखो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है ना। अगर आपको सिविल पोस्ट मिलती है तो आपको कभी भी बुलाया जा सकता है और आपको जाना ही होगा, तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर मिनिमम माने तो 12 घंटे आप मान के चलो, लेकिन आपको कभी भी बुलाया जा सकता है और इसके लिए आपको ऑलवेज तैयार रहना पड़ेगा। ये हो गई आपकी सिविल पोस्ट। अभी हम इसके बारे में और भी बातें बताएंगे। अब हम बात करते हैं पीएससी पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पीएससी पोस्ट मिलती है तो देखो पीएससी पोस्ट जो है बहुत ही बेटर होती है, हम आपको अभी बता दें। और ये अगर आप पीएससी पोस्ट करोगे भी तो मान लो कुछ आगे की तैयारी कर रहे हो, कुछ मतलब ऊपर की पोस्ट की, तो फ्रेंड्स आपको इसमें टाइम मिल जाता है और आप तैयारी कर सकोगे। कैसे, तो देखो अगर हम मैक्सिमम माने इसमें, तो अभी मिनिमम हम 12 आवर्स मान रहे थे, लेकिन अगर हम मैक्सिमम माने इसमें तो आपको देखो अधिकाधिक आपको 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है पीएससी पोस्ट में, ठीक है। वो भी आपको बिल्कुल फ्री, मतलब कोई टेंशन वेंशन नहीं, आप बिल्कुल फ्री रहोगे। और वर्क क्या रहेगा इसमें, देखो आप सिंपली अगर आपको पीएससी पोस्ट मिलती है तो इसमें वर्क वही होता है जैसे कि आपका बटालियन होता है, 3 से 4 आपका बटालियन होगा, एक ग्रुपिंग होगा, ठीक है। और आपको मतलब जैसे कहीं दंगे हो गए, ठीक है, मान लो कहीं दंगे हो रहे तो आपको वहाँ बुला लिया जाएगा, या फिर मान लो कहीं कुछ हो रहा हो या फिर चुनाव हो रहा है तो आपको उसमें बुला लिया जाता है। और फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है पर डे, मान लो अगर आपको इलेक्शन में बुलाया जाए, अगर आपके वहाँ डिप्टी है, ठीक है, तो आपको लगभग 500 से 100 जो है, सॉरी 1000 जो है आपको पैसे भी मिलते हैं एक्स्ट्रा। तो ये हो गई पीएससी, आप देख सकते हो। अभी देखो आपको कौन सा अच्छा लगेगा, और देखो ये आपका जो है इसमें आपको टाइम भी मिलता है, मतलब कि आप सोचो ना कि अगर आप पीएससी पोस्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल फ्री हो। और आपका जो है देखो एक इम्पोर्टेंट बात, और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी है। हम आपको अगर सैलरी की वीडियो चाहिए तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सिविल प्लस पीएससी की जो भी पोस्ट है सैलरी भी बता देंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में बताएंगे तो वो वीडियो जो है लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन अभी हम बस डिफरेंट बता रहे हैं। तो अभी देखो पीएससी की पोस्ट की बात करें तो सबसे बेस्ट अभी लग रहा है, लेकिन आपको आप सिविल के आप चाहते हो कि हमें सिविल ही चाहिए, तो देखो फ्रेंड्स अगर आपको सिविल चाहिए तो पहली बात अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हो कि और जो है आपका लेवल पोस्ट जो है वो और भी ऊपर जाए, जैसे UPSI या फिर मतलब कुछ और सब इंस्पेक्टर, तो देखो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। और अगर आपको सिविल पोस्ट चाहिए तो फिर टाइम तो फ्रेंड्स नहीं मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि आपको 24 घंटे जो है ऑन रहना पड़ेगा डिप्टी पर, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, जैसे
मान लो कहीं थाना में भेज दिया जाए, या फिर आप उसके साथ जाइए, मतलब कहीं भी, या फिर वो बुला रहे हैं, या फिर कोई लाश वोश, मतलब कुछ भी उठाना उठाना हो तो ये आपका काम है। लेकिन वही पीएससी का पोस्ट, जैसे कि दंगा फसाद जो भी हुआ, तो कभी कभी बुला लिया जाता है, लेकिन वो भी बटालियन में, ग्रुपिंग में, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, और जल्दी मामला सॉर्ट आउट होते ही वो फ्री हो जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो सिंपली हम आप बात करें तो अभी देखो इस नज़रिए से आपका पीएससी पोस्ट ही बेस्ट लग रहा है, लेकिन अब देखो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको सिविल प्लस पीएससी पोस्ट दिए जाएंगे। तो लेकिन देखो पीएससी से रिलेटेड बहुत सारी जो है आपके कमेंट्स आ रहे थे कि हमें पीएससी पोस्ट मिलेगा कैसा है, क्यों पीएससी कम नंबर वालों को ही मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हो, अगर आप फ्रीली अगर आपको टाइम चाहिए, तो फ्रेंड्स आपको पीएससी सबसे अच्छा जॉब है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सिविल भी बहुत अच्छा है। लेकिन यही है कि आपको 24 घंटे जो है ड्यूटी ऑन रहना पड़ेगा, आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे, और इससे और भी डिटेल्स में जानना है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, और सैलरी से रिलेटेड भी हम जल्द ही इस चैनल पर आपके लिए सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। और देखो आराम की बात करें तो पीएससी में भाई बहुत आराम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद देख लेना, जो भी पीएससी में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनसे आप खुद पूछ लेना, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करो, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, तो आपको सिंपली वहां से पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड छोटी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपके सिलेक्शन से रिलेटेड होती है। थैंक्स, गुड नाइट, टेक केयर।